पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया को उनके अपने संसदीय क्षेत्र की मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बनारस के सिर्फ एक संस्थान से साल भर में 6,500 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियों ने न सिर्फ डिजिटल लिटरेसी के तहत कंप्यूटर की जानकारी ली, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने कोर्सेज करके भी अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद दी है। कंप्यूटर पर हाथ आजमाती और कपड़ों के डिजाइन तैयार करती इन लड़कियों की जिंदगी कुछ दिन पहले सिर्फ घर तक सीमित थी। लेकिन डिजिटल साक्षरता अभियान ने इनका मुकद्दर बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डिजिटल इंडिया के तहत चलाए जा रहे अभियान से मानो इन्हें पर लग गए हों। ये लड़कियां अब कपड़ों के नए नए डिजाइन तैयार करती हैं और इससे इनका आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ से ट्रेनिंग लेकर ये लड़कियाँ स्कूलों और मदरसों में भी ट्रेनिंग दे रही हैं। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है और अब काफ़ी चीज़ों से मुझे इससे फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि इससे काम करने से हमको बार बार हमारा काम आता भी है और मुझे करके देना भी होता है और इससे हमारा बहुत लाभ होता है। और एक और पैसे मतलब भी कमा लेती है। जी हाँ, पैसे भी कमा लेती हैं। फिर भी लगभग महीने में 10,000 रुपए कमा लेते हैं। साइंस इंस्टीट्यूट से हम चीक सीखे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। कई सारी चीज़ डिज़ाइनें मिली हुई हैं जिसे हम अपने घर पे जाके डिज़ाइन करते हैं। हाथ से नहीं बनाना होता है, डायरेक्ट ये चीक निकल जाता है कंप्यूटर से, जिससे हमको आसानी हुई है। डिजिटल अभियान का सिर्फ लड़कियां ही फायदा नहीं उठा रही हैं, बल्कि गृहिणियां भी बड़े पैमाने पर इससे जुड़ रही हैं। सिर्फ रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से जुलाई 2015 से अब तक 2,500 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं ने डिजिटल ट्रेनिंग हासिल की है, और अगर इसमें आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 6,000 से ज्यादा हो जाता है। प्रधानमंत्री के मुहिम थी कि डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत यहाँ पर 2,500 के ऊपर महिलाएं लड़कियां पर सीख चुकी हैं कंप्यूटर, और इनडायरेक्ट में सीख करके जो अपने परिवार में या और लोगों को बताने गई, उत्सुक संख्या में जोड़ लिया जाए तो करीब 4,000 के ऊपर लगभग जाएगी। और इससे हम लोग का मकसद सिर्फ उनको सिखाना नहीं है, सिखाने के बाद वो कुछ रोज़गार करें, कुछ अपने परिवार में आर्थिक उन्नति में कुछ मदद करें, यही हम लोग का मेन उद्देश्य है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने चिक सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिसके जरिए इन्हें डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। सिलाई कढ़ाई के नए और आधुनिक तरीके बताए जाते हैं। इसके अलावा सूचना और प्रसारण विभाग 15 अगस्त से हुनर ए बनारस की भी शुरुआत करने जा रहा है, जिससे मार्केटिंग और पैकेजिंग की भी सुविधा मिलेगी। अमित सिंह, इंडिया 24/7, वाराणसी।